इस वीडियो में एक ऐसा सीक्रेट डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाला है पियानो प्ले करने में। एंड तक देखते रहिएगा, जरूर आपको पसंद आएगा। अक्सर क्या होता है कि आपको किसी भी सॉन्ग को बजाने के लिए उस सॉन्ग का पर्टिकुलर स्केल ढूंढना पड़ता है। स्केल को आसान भाषा में बताऊं तो ग्रुप ऑफ नोट्स होते हैं जिसमें उस सॉन्ग या म्यूजिक को बजाया जाता है, ठीक है। तो हर सॉन्ग में एक अलग पिच होता है और उस पिच के हिसाब से वो गाना चलता है। जैसे आपकी आवाज़ अलग है, मेरी आवाज़ अलग है, लता जी की आवाज़ अलग है, किशोर दा की आवाज़ अलग है, तो उसी हिसाब से सारे सिंगर अलग अलग स्केल पर गाते हैं। तो इसमें हमारा ये हो जाता है कि सारे के सारे स्केल्स याद करने हैं, सारे के सारे स्केल्स ज़रूरी है। शुरुआत में इस चीज़ को आप एक बार टेक्नोलॉजी की मदद से, आपके कीबोर्ड में ट्रांसपोज का एक फीचर होता है जो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी मदद से आप एक ही स्केल मात्र आपको सीखना है और सभी स्केल को आप जो गाने हैं वो बजा सकते हैं, सभी स्केल के गाने आप बजा पाएंगे। बहुत ईजी और बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। ये जैसे सी शार्प मेजर स्केल है, ये सी मेजर है। आपको अधिकतर दो से तीन स्केल आते होंगे, लेकिन मान लीजिए अगर कोई गाना एफ शार्प में है या कोई गाना बी मेजर में है, ठीक है, आप उनका जो सिंगर है उनका बी मेजर में सुन रहे हो, आप कहीं पे लाइव परफॉर्म कर रहे हो और जो आर्टिस्ट है वो किसी जी शार्प मेजर में या ए शार्प मेजर में बजा रहा है और आपको आता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करें आप? आपको सी मेजर स्केल ही आता है, तो एक ही स्केल में बहुत सारे गाने कैसे बजाया जाए, उस चीज़ को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम एक गाने का एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे एक गाना है, अपना पुराना गाना है, बड़ा सरल गाना है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। तो इस गाने को जैसे मैं अगर बजाता हूँ सी शार्प मेजर स्केल पे, मैं आपका थोड़ा सा अटेंशन लूंगा साउंड पे, आप साउंड को फोकस करिएगा उसकी जगह मैं कौन से नोट्स को बजा रहा हूँ उन पे, ठीक है। तो सेम गाने को अगर मैं सी मेजर पे बजाऊं, अब हम यहां पे जादू करेंगे एक ट्रांसपोज का। इसमें क्या होगा, एग्जांपल, अब यहां पे मैं सपोज कर रहा हूं कि मैं कमलेश शर्मा, मुझे सिर्फ सी मेजर स्केल ही आता है, सी शार्प मुझे नहीं पता, लेकिन जो सिंगर है या फिर किसी ने मुझे कहा ये जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है वो उसको सी शार्प मेजर पे गाना चाहते हैं और मुझे तो सी मेजर के ही नोट्स पता है, तो इसमें क्या किया जाए? आपके कीबोर्ड का सबका लेआउट डिफरेंट हो सकता है। बेसिकली आप अपने फंक्शन नोट के ऊपर या कहीं कीबोर्ड में डायरेक्टली ट्रांसपोज का ऑप्शन दिख जाता है, तो आप नॉर्मली अपने फंक्शन की को प्रेस करें और आपके स्क्रीन के ऊपर ट्रांसपोज लिखा हुआ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, टोटल एक ऑक्टेव में 12 नोट होते हैं, तो आप ट्रांसपोज को +12 +11 या फिर -12 -11 कर सकते हो। मतलब आप ये जो एक सी नोट है, इस फिजिकली की के ऊपर आप किसी भी नोट का जो साउंड है, जो पिच है, वो आप ला सकते हो। आप अगर लोअर ऑक्टेव का अगर आप जी शार्प बजाना चाहते हैं इस नोट के ऊपर तो भी आ जाएगा, आप हायर ऑक्टेव का सी शार्प जी शार्प बजाना चाहते हैं तो भी आ जाएगा। क्या करना होगा उसके लिए, एग्जांपल, हमारे वापस सॉन्ग के एग्जांपल पर चलते हैं। जैसे मैंने बताया था कंडीशन कि मैं कमलेश शर्मा, मुझे सी मेजर स्केल बजाना आता है, लेकिन किसी ने कहा कि सी शार्प मेजर का साउंड चाहिए मुझे, तो आपको क्या करना है, सी मेजर स्केल में ही आपको ट्रांसपोज पे +1 दबाना है। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो सी नोट के ऊपर सी शार्प का नोट आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैं ट्रांसपोज 0 करता हूं और अब सी शार्प बजाता हूं, देखा साउंड दोनों का सेम है। एक बार बिना देखे बिना खाली मेरे को देख के समझिए, मैं दोनों सेम ही नोट बजाऊंगा। 0 ट्रांसपोज पे सी नोट और +1 करते ही यहीं पे सी शार्प आ गया, +2 करूंगा यहीं पे डी आ गया, +3 करूंगा यहीं पे डी शार्प आ गया, +4 करूंगा यहीं पे ही आ गया। तो इस प्रकार से आपको जिस भी नोट को बजाना है, ढूंढना है, उसमें आपको क्या करें, आप कैलकुलेट करके इसको सी नोट के ऊपर ले आए। तो ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो अब मैं सेम ही स्केल के ऊपर एक दिन बिक जाएगा बजाऊंगा, फिर उसको +1 करके सी शार्प पे बजा लूंगा और उसी को +2 -3 करके डिफरेंट स्केल्स के ऊपर बजा लूंगा। जैसे कि +1 करके सी शार्प, अब देखो ये तो हो गया मेलोडी का कंसेप्ट। ट्रांसपोज का फीचर इतना प्यारा है कि लेफ्ट हैंड में अगर मान लो आपको कॉर्ड्स भी एक ही फैमिली के आते हैं, आपको एक ही स्केल के कॉर्ड्स पता है, तो बहुत सारे डिफरेंट कॉर्ड्स सीखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस फीचर का यूज़ करके आप किसी भी स्केल के कॉर्ड्स भी बजा सकते हो। मान लीजिए अगर आपको सी मेजर कॉर्ड पता है, आपको जी मेजर पता है, तो अगर आपको कोई डिफरेंट कॉर्ड्स नहीं पता लेकिन उनका साउंड आपको चाहिए, तो आप नोट्स की कीबोर्ड के नोट्स के ऊपर इनकी +1 +2 ट्रांसपोज करके इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बड़ा प्यारा और बड़ा ज़रूरी ये फीचर है।
अगर आप शुरुआत कर रहे हो, बिगिनिंग अगर आप कर रहे हो, फिर जैसे जैसे टाइम मिले तो आपको सारे स्केल तो तैयार करने ही है, क्योंकि ओरिजिनल स्केल बजाने में अलग मजा है और टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें दोनों अलग अलग ज़रूरी पर है, आप इसके भरोसे भी नहीं रह सकते क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट में फीचर नहीं होता है। और एक्चुअल में जो संगीत है वो आप अगर हर स्केल को समझें, हर सा को समझें, क्योंकि हर नोट पे सा है, सी नोट पे भी सा है, जी शार्प नोट पे भी सा है, लेकिन उसका पिच डिफरेंट है, है ना। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरा गला अलग है, मेरा गला हो सकता है कि सी नोट पे ज़्यादा अच्छा आवाज़ करे, लता जी का गला डी शार्प उनका तो भाई सभी स्केल पे करता है, लेकिन जैसे हमारे जैसे अगर किसी दूसरे पे अगर कोई एफ शार्प पे आगे जाने पर गला फटने लगता है, तो बेसिकली ऐसी जो टेक्नोलॉजी जो आपको मदद करती है, सिर्फ आप एक ही स्केल सीख सकते हैं शुरुआत में और जितने मन चाहे आप गाने बजा सकते हैं एक ही स्केल के ऊपर। उसका मेन फायदा यह है कि आपको बहुत आसानी होगी, आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि कैसे गाने बजाए जा रहे हैं, और गारंटी है आप बहुत जल्दी से गाने को बजाना सीख जाएंगे, अपने म्यूजिक को बजाना सीख जाएंगे, कीबोर्ड को बजाना सीख जाएंगे। फिर एक ही स्केल की जो पूरी थियरी है, दूसरे स्केल के ऊपर प्रैक्टिस करते रहो और उसको आप बजाते रहो। ओके, तो दैट्स इट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक आपको करना ही है, कमेंट करके बताना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं कमलेश शर्मा, आप देख रहे थे सिर्फ यंग आर्टिस्ट का कीबोर्ड चैनल, जहाँ वी नर्चर द आर्टिस्ट इन यू। नमस्ते।